डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अधिकारों की व्याख्या तो हमने की है, लेकिन कुछ उनके आलोचनाएं भी हैं जो निम्न प्रकार से। नंबर एक है, व्यर्थ उच्च आकांक्षाएं। आलोचकों का मानना है कि घोषणा केवल उन आकांक्षाओं से अधिक कुछ नहीं है। व्यर्थ में यदि किसी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं है तो उस व्यक्ति की ये घोषणा कोई सहायता नहीं कर सकती है। व्यक्ति में ये निराशा का भाव तो पैदा कर सकती है, पर उसे अधिकार नहीं दिलवा सकती। नंबर दो पॉइंट है, ये अधिकार न्याय संगत नहीं है, नॉट जस्टिसेबल ऑफ दीज राइट्स। आज भी अधिकार राज्य व सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं। प्रोफेसर एच एल केल्सन ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र व्यर्थ है, क्योंकि यह ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्यवस्था नहीं करता है जिसमें जाकर व्यक्ति अपने छीने अधिकारों को फिर से प्राप्त कर सके, तथा इस संस्था के निर्णय उन राज्यों पर बाध्य हों जिन्होंने इन अधिकारों की अवहेलना की है। अतः ये अधिकार न्याय संगत नहीं है। नंबर तीन है, अधिकारों की सूची अधूरी है। जोन स्वेजनबर्ग ने लिखा है कि सर्वव्यापी अधिकारों की घोषणा पर कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। इस सूची में बेगार के विरुद्ध अधिकार को शामिल नहीं किया गया, अतः ये सूची अधूरी है। नंबर चार है, आर्थिक अधिकारों की गणना व्यर्थ, इकोनॉमिकल राइट्स यूजलेस। इस घोषणा में आर्थिक अधिकार जैसे काम का अधिकार, विश्राम और अवकाश का अधिकार रखा गया है। आलोचकों की मान्यता कि इन अधिकारों को सूची में शामिल करना ही काफ़ी नहीं है, जब तक विकासशील और पिछड़े हुए देशों में पर्याप्त आर्थिक साधनों की व्यवस्था नहीं की जाए। इन देशों में साधनों की विशेष कमी है और भारत में भी इन अधिकारों को दिलवा पाना राष्ट्रीय सरकार के पहुँच से बाहर है। नंबर पाँच है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अवहेलना। हर देश में अलग अलग तरह के अल्पसंख्यक बसे हुए हैं जिनके संरक्षण और सुरक्षा की एक विशेष समस्या है। यह तभी संभव है जब प्रत्येक राष्ट्र अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करे, और यह घोषणा अल्पसंख्यकों के अधिकारों का कोई वर्णन नहीं करती है। नंबर छः है, अधिकार केवल राज्य द्वारा संरक्षित। केवल राज्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की सामर्थ्य रखता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे दायित्व को निभाने में असमर्थ हैं। स्वेरलिन के शब्दों में कहें तो ये घोषणा अंतर्राष्ट्रीय संगठन को एक ऐसा कार्य करने के लिए कह रही है जिन्हें भरने में केवल राज्य ही समर्थ नहीं है। प्रोफेसर केल्सन ने लिखा है कि इस घोषणा को दोषपूर्ण माना है, और ये घोषणा राज्य व सरकारों को संबोधित की जानी चाहिए थी जो इन अधिकारों को लागू करने में समर्थ हों। उनके शब्दों में, घोषणा राज्य व सरकारों को संबोधित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति तथा सामाजिक संगठन को संबोधित है। न तो व्यक्ति और न ही समाज के विभिन्न अंग, बल्कि राज्य ही ऐसे उपाय करने का सामर्थ्य रखते हैं जिससे अधिकार उपलब्ध कराए जा सके। नंबर सात है, सभी के लिए उपलब्धियों का समान स्तर। मानव अधिकारों की घोषणा की प्रस्तावना के अनुसार ये घोषणा सभी व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के लिए प्राप्ति का एक स्तर है, परंतु व्यवहार में सभी व्यक्ति तथा सभी राष्ट्रों के लिए अधिकारों का एक सामान्य स्तर प्रयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक देश की आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारों के सामान्य स्तर की घोषणा उचित नहीं है। नंबर आठ है, विश्व में एकता का अभाव। फ्रीडमैन ने लिखा है कि सर्वमान्य अधिकारों को लागू करने के लिए एक ऐसा समाज होना आवश्यक है जिसमें सम्मान, समाज, सामाजिक मूल्य और जीवन के समान स्तर प्राप्त हों, परंतु विश्व में आज इस प्रकार की विभिन्नता के अधिकारों को लागू करना बड़ी बाधा है। नंबर नौ है, विश्व के मानव अधिकारों के बारे में वास्तविक स्थिति।
वर्तमान विश्व में मानव अधिकारों के बारे में जो स्थिति वास्तव में पाई जाती है उसके आधार पर यह कहना कोई गलत नहीं कि इस घोषणा का कोई विशेष व्यवहारिक महत्व नहीं है। 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयोग के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विश्व के अनेक देशों में राजनीतिक विरोधियों को बहुत ही भयानक कष्ट दिए जाते हैं और इसी प्रकार एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्ट्री इंटरनेशनल जो लंदन में काम करती है जो मानव अधिकारों से संबंधित है उसने सन 2005 में दी गई अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि विश्व के लगभग एक तिहाई देशों में अंतःकरण के कैदी मौजूद हैं और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विभिन्न देशों की सरकारों ने राजनीतिक विरोध के कारण बिना कोई अभियान चलाए जेलों में बंद किया हुआ है। उनके देशों में जाति धर्म रंग लिंग नस्ल आदि के आधार पर अमानवीय भेदभाव किए जाते हैं परंतु संयुक्त राष्ट्र की इस घोषणा का उन पर कोई नैतिक प्रभाव भी नहीं है और न ही उन्हें रोकने के लिए कोई कोशिश की जा रही है। इसलिए इन जो घोषणा पत्र है यूएनओ का मानव अधिकार के लिए उसकी इन पॉइंटों के अंदर आलोचना की गई। थैंक यू।